में आपके स्वागत बा बुद्ध समुदाय के टेलीविजन पर कार्यक्रम संस्कृति सरोवर लेके आ गई रात इसने कैमरा पर्सन नारायण के साथ में ये कार्यक्रम आप हर एक सोम के इसने हर एक मंगल के और हर एक बुध के ठीक इतने समय देख सकल जाते कार्यक्रम में रह के हमने की समाज की विकृति हमरे कैसे हटा सके जन के मन के विकृति हटा के असल सभ्य समाज के निर्माण हमरे कैसे कह सके और इतने भरना हो कि हमरे अपन जीवन कैसे सफल बना सके हमरे जान पहचान व्यक्ति से वहाँ के विचार भी आदान प्रदान कर जत और ऐसे हमरे आज न्योता दल गिलवा हमन लग आज अतिथि बाटे थारू कल्याणकारी सभा और रूपांदेही के अध्यक्ष सतीश कुमार चौधरी हमरे वहाँ से बातचीत कर जी ते कार्यक्रम में सबसे पहले कार्यक्रम में आपके स्वागत बा धन्यवाद। हाँ तो वैसे सबसे पहले आपके बधाई बा आप नवनिर्वाचित अध्यक्ष रह गिल बा ते जोन हमन के आज समाज में रहल विकृति विसंगति के बारे में हमरे चर्चा करे और हमन के कैसे उप विकृति विसंगति हट के हमरे असल सभ्य समाज के निर्माण कैसे करते इस मध्य हमरे चर्चा करे ते वैसे हमन के जोन आप नवनिर्वाचित अध्यक्ष रह गिल बा थारो कलकड़ी सभा रूपंदेही के ते सबसे पहले फिर से हमरे बधाई देख साथ में हमन के जोन थारो कलकड़ी सभा 2005 साल में स्थापना भेल के हो ते आज तक आपके विचार में जैसे आप भरखे अध्यक्ष रह गिल बा ते इससे पहले जोन आप उपाध्यक्ष में अन्य पद में रह गए थे जोन पुरान कार्य समिति रहे आपके सोच में आपके विचार में जानत में कैसन कैसन नेपाल में थारू हक हित के खातिर काम कर सकले बा जैसन लागत। अब जैसे सबसे पहले तो थारू कल्याणकारिणी सभा के जोन आप कहल गए 2005 साल में स्थापना भेल बहुत वास्तविकता हो ओसे कहे तो ओसे पहले भी एक थारू कल्याणकारिणी सभा के स्थापना भेल लेकिन दूसरे नाम से रहा उस समय रहल थारू कल्याणकारिणी सभा न होके बंदेज नाव के रहल तो ओकर काम सिर्फ सांस्कृतिक थारून के सांस्कृतिक और धार्मिक सुधार करतीन विकृति बा ओकर सुधार करतीन भर एकदम रहल उस समय राणा शासन के समय रहल। फिर भी वैसन समय में अगर वो स्थापना भइल तो ये विश्वास वो समय रहल कि थारू में बहुत बड़ा विकृति बा एना वचन में बहुत बड़ा अंधविश्वास बात ओके कैसे सुधार कर जा कहके उस समय के जो शासक रहने वो रहल तो ओकरे बाद जब स्थापना भइल थारू कल्याणकारिणी सभा के 2005 साल में तो विभिन्न समय और कालखंड में काम कर चली आयल लेकिन उस समय के अपन स्रोत साधन के कमी के नाते का भइल नहीं का नहीं भइल उतना नहीं हो पाई लेकिन जब से हम एमे जाने लायक भइली जब हमें थारू कल्याणकारिणी सभा में जब से हम प्रवेश कैली तो और थारू के बारे में जब अध्ययन करे लगली तो बहुत विकृति विसंगति देखली हमन वचन के सांस्कृतिक रूप से देखल जा तो अंधविश्वास से एकदम भरल देखल गई जौन चीज़ हमन वचन नहीं देखल जाला उ चीज़ में ज्यादा विश्वास कैल जाला और जौन जौन चीज़ देखल जाला वह में कम विश्वास कैल जाला तो ओके कैसे दूर कैल जा उ आगे बढ़े के रहल ओकरे बाद धार्मिक जौन भइल हमन वचन अपन धर्म का हो हमन वचन के धर्म कहाँ से शुरू भइल हमन वचन के धार्मिक आस्था कौन चीज़ पर रखे के चाही विभिन्न विषय ई कुल में विभिन्न जौन कहे पड़ल विद्वान कहे पड़ल कुछ जानकार कहे पड़ल अगुआ लोग बाँटने तो अपन अपन तर्क देने तो ऊ में थोड़ा सा हमन वचन के एक किस्म से कौन चीज़ हमन वचन कैल जा कौन कौन चीज़ न कैल जा ऊ में कौनो एक रूपता नहीं आ पैलस आर्थिक रूप में देखल जा ऊ में वही सेवा केवल खेती बाड़ी में हमन वचन सीमित रही गई लेल तो ओकर विकास के लिए कहें कि सरकार उतना खेती बाड़ी में सहयोग नहीं देत बात उसे पीछे पड़ गई गई तो पिछले समय में ये कुल के बीच में रही के जौन हमन वचन से पहले के जौन कार्य समिति में जौन साथी लोग रहने कोशिश तो सब जने कहले लेकिन उस समय में कुछ राजनीतिक यहाँ के जौन उतार चढ़ाव देखल गई ओकरे बाद हमन वचन के जौन दूसर जाति से अंतर संबंध देखल गेल कुछ विवादित देखल गेल हमन वचन कहाँ होइल जला थारू कहाँ खोले और थारू कहाँ से आयल बाटे थारू के उत्पत्ति यहाँ भइल कि नहीं भइल तमाम किस्म के हमन के बारे में एठू कहे पड़ल जे जैसे बुझलस वैसे व्याख्या कर चली आवत चली आयल वही चीज़ के हमन वचन के सोची नहीं पावल गेल कि हमरे का होइल जला का नहीं होइल जला ओकरे बाद ऊ में राजनीति में देखल जा तो राजनीति में विभिन्न जौन राजनीतिक दल बाटे हमन वचन के केवल वोट बैंक के रूप में देखने हथियार बना हथियार बना लेने कि हमन वचन से वोट लिए बा हमन वचन के राजनीति में पहुँचे बा बस इतने सोचने
हमन वचन के विकास कैसे कैल जा, हमन के उत्थान कैसे कैल जा, एकर बारे में बहुत कम सोचले। तो यही से ई कुल के बारे में पिछले हमन वचन के जौन कार्य समिति रहल वो कोशिश तो कैलस, लेकिन आपसी कुछ मतभेद आपसी समझदारी के नाते थोड़ा सा कम कई पैलस। ते अब वैसे हमारे कहा जात कि कोनो भी व्यक्ति कोनो भी संस्था में रहे ते उस संस्था के व्यक्ति काम नहीं करत बाटे, संस्था बड़े से नहीं चलत बके के कहे के सहज रहते, बकिन का जिस संस्था में बा संस्था चलाक बहुत अठारो रहते, जिस संस्था में बा काम करत बा काम करे के सहज ते नहीं हो, बहुत कठिनाई रहते। ते तमानी कठिनाई के बावजूद आज थारू कड़ागरी सभा इतना डेढ़ वर्ष हो चुकल, ते हमरे आजकल देखा जीते काम करत बा काम कहल के मतलब जैसे कार्यक्रम करते बा हर एक साल हमरे आजकल एक फैशन के रूप में हमारे देखे पाए कि पहले हमारे छोटे छोटा गई थे बीटिया बहन बोला के एक खिचड़ी मनाए चलन अभी भी बोला बाटे, बकिन का एक अब सब जने रमैलो कह के भेटघाट होना हिसाब से जो खिचड़ी महोत्सव प्रत्येक जगह में हो क्रम जारी बा। ते एमे भी हमन के कथी देखे के पाल जात कि अब ये जो हमन के एक ऐतिहासिक पर्व हो हमारे खिचड़ी कहल जी ये मनाए ठीक हो, बकिन को हमें कहा कि गाँव गाँव में अब हर एक जगह में अब पैसा कहूँ से असूल के चंदा असूली कह के अब उ सब एक मनोरंजन भर में सीमित रखने। ते एम आपके विचार किसान बते एमे जौन आप कहल गेल बहुत सही बात बा, हम ये चीज़ में बहुत ज़्यादा चिंतित भी बाटी। देखल जाला हमन बचन के संस्कृति एठू जगेरना कहल जाला, संरक्षण कहल जाला, ओकर लिए हमन बचन के जौन संस्कृति बा ओके आगे कैसे बढ़ावल जा, ओकर संरक्षण कैसे कैल जा कह के आगे बढ़े कोशिश कैल जाला। जैसे आप कहल गेल चंदा उठा के कार्यक्रम कैल जाला, तो हमन बचन के पहले तो बिरादरी का बा कि अगर खान पान मौज मस्ती ये कुल काम करतीन, अगर पैसा लगावे कहल जा तो बहुत जल्दी पैसा निकाल लिए, बकीर अगर बढ़िया काम में कैल जा ऐसे कुछ फायदा लिया जाए तो वो नहीं सोचिए। उहे क्रम में जैसे खिचड़ी पर्व आप कहल गेल, खिचड़ी के लिए तो पैसा सब उठाइए पहले से कह रहा कि पहले पहले थोड़ा सा मन बचन के संगठन में कहल जाए तो थोड़ा सा विकास भैल, पहले पहले अपने घरे घरे खिचड़ी मनावत रहें, लेकिन अब का भैल कि चंदा उठैले पर सामूहिक रूप में मनावल जाए, ऐसे का भैल। हाँ तो ऐसे का भैल भाईचारक नाता जौन बा हमन बचन सब मिलके एक हो जाला, उससे थोड़ा सा नजदीकी बढ़ल बा वो एक जना बा। लेकिन का बा कि जौन सांस्कृतिक प्रोग्राम हमारे जौन कैल जाला हमन के थारू भाई लोग बहनी लोग जौन कई करन है, देखल जाला क्या क्या थोड़ा सा विमुख हो जात बाटे। हमन बचन के सांस्कृतिक जौन संरक्षण बा ओकर लिए तो हमन बचन के अपन संस्कृति के संबंधी गाना संस्कृति संबंधी नाच उहे चीज के प्रस्तुतिकरण होके चाहिए। लेकिन का होला कि देखल जाला विभिन्न जैसे कहे पड़ल आपके दक्षिणी गाना हिंदी गाना ओमे भोजपुरी गाना टाइप के हमारे ऊ कुल गाना गा के ओह अपन नाचले नाचत के दाई कौन ओकर ताल सुर नहीं बा, बस खाली कूदे भर के बा, हर एक चीज के ओकर ताल सुर होला और गाना जोन होला ओकर अपन अर्थ होला। तो ऊ किस्म के न कह के कूदे वाला खाली रह गई। और दूसर बात बा वह समय में हमन बचन का सोचल जाला कि हमन बचन काम ये कार्यक्रम करे करतीन थोड़ा सा प्रोत्साहन दिहल जाला, लेकिन हमन के उद्देश्य का रहा कि एक तीर से दुई निशाना जोन कहल जाला, तो कार्यक्रम भी कैल जा और ओकरे साथे मनोरंजन भी कैल जा, अपन संस्कृति भी मानल जाई और अपन जो संदेश बा थारू बिरादरी थारू भाई बहनी में कि हमन के संस्कृति का हो, हमन बचन के पहचान का हो, हमन के अधिकार का हो और एकर सदुपयोग कैसे कैल जा और जो नाई मिलल बा ओकरे लिए कैसे हमारे मांग कैल जा, वो चीज़ के प्रसारण करे करती हम जन कार्यक्रम में सहभागी हो जाला करावल जाला। लेकिन का हो जाला कि वहाँ गईले पर वो खाली मनोरंजन के भावना भर रहा ला, अगर कुछ कहे चाहल जा तो सुने वाला ना रही है, ना ही है दूरे हो जाइए और जब जब गाना हुई तो फिर आगे किनारे चली है, तो थोड़ा सा समस्या हमन बचन के भइल बा। हमन के जिसे मनोरंजन के साथ में चेतना के वृद्धि भी करे के आवश्यक बा, ते उसे हमन के अब हमन के समाज की विकृति का कहो हमारे पहचान के किए उहे विकृति के हमारे नाटक के माध्यम से जोड़े सके ते बढ़िया हो सके। हाँ ते उसे हमन के जो समाज के तमाने विकृति बा और हमारे हर एक जो चाड़ पर्व में एक उठान करे के आवश्यक बा, ते वैसे हमन के जो थारू कणकारी सभा के तमाने व्यक्तित्व लोगन बाटे, फिर भी का होत कि अब जैसे मीडिया की समझ आके नहीं खोजने, अब जैसे खास के कोनो भी विकृति विसंगति अब कोनो भी समस्या पर गिल ते वो मुद्दा के उठान करे करतीन अब फोन कर लीजिए, ते वो सब तमाने अलटाल करी है बहाना बाज बनाई है और के नाम ले हम नहीं चाहती। ते एम जैसे अब मूल कारण का होते जैसे अब मीडिया ओकान की आवश्यक नहीं बा कि मीडिया से आके डरा कौन हिसाब से वो सब संपर्क में आके नहीं खोजने। इसमें तो देखल जा सबसे बड़ा बहुत सही बात उठावल गई
आप खाली मीडिया के सामने कहल जाओ तो बहुत बड़ा बात हो गेल। अगर कहूँ गाँव में समाज में कहूँ बैठ के दो चार जने बिरादरी बैठ के छलफल कल जा कहा हो कहा कौन चीज़ बा कहा जा तो कितना मिल कहा अरे जा हो तू जाके सुनियाबा हम तो नहीं जाब। अगर आओ गए तो वो सब बोले के लाज माना ले एक किस्म से कहा जा तो हमन बचन के एठू पहले से चली आई जौन कहा जाने वंशानुगत गुण हो कि का हो या ओके ज्यादा से ज्यादा अमन बचन के शिक्षित करे के बाद कि का हो एक तो वंशानु गुण लेखन लगा ला थारो लोग थोड़ा सा बोलने में कम स्वाभिमान टाइप के होले थोड़ा सा अपन बात जौन कह देने वह कही जा ओकरे बाद न कही जा। दूसरा नंबर शिक्षा के कमी भी हो कि जैसे मीडिया के सामने खड़ा हो गई बोलत के नहीं पता नहीं का बोल पाई का नहीं बोल पाई हमार बोले कि कितना ओमे क्षमता बा तो अपने में एक किस्म से कॉन्फिडेंस जौन कहा जाला वो नहीं रहला तो एक नाते बोले कि थोड़ा सा हिचकिचाल इसे ना आवल हमारे ख्याल से। जिसे एक बात दूसर का हो कि जिसे अब रूपंदेह के हक में हम कहती अब कहो कि हमारे थल काटी सभा के जो पदाधिकारी बाटे अब जिसे हमन के एक दर्जन तक नहीं पुग सकी हमारे ख्याल से जिसे हम सब जन के अवसर देख खोजे ला कि हमन के समाज की विकृति का कहा उठान करे के लिए बाकी इनका हम अब हमारे अंगुरी में गण सके ढेर जन नहीं बाटे अब पदाधिकारी हमारे के ढेर बाटे अब हमन के ये गाँव पालिका में कहा जा नगर समिति हमन के कहा जा जिला में बाटे बाकी इनका वो सबके आप फोन कर लीजिए अब हम एजुकेटेड व्यक्ति बाटे बाकी इनका वो आग नहीं खोजने अपन हिसाब से वो सब सफल बाटे अब वो भी हमन के कुछ जैसे थारुक नगरी सभा में जो पदाधिकारी बाटे वो भी हमन के उ हिसाब से भी चयन करे आवश्यक बा तो उनमें थोड़ा सा ऐसा बा कि थार लोग में थोड़ा सा पता नहीं कहें उस सब में थोड़ा सा अपन समाज अपन हम थारू हिलक कहले में थोड़ा सा गर्व हो चाहिए लेकिन थोड़ा सा लाज माने के पद लहे के अब वो सब जब चुनाव हो लगी अधिवेशन में तब मुड़ फुटौल करे खोजिए ओकर बाद में अब चुनाव जीत गेल निर्वाचित हो गेल बिहान खुन फोन कर जीते फोन तक नहीं उठाने ओहो गुल भइल बा बहुत सही बात कहल गेल हमें तो समय समय में हर एक बेर ये सब हमारे भोगत आवल गेल बा। सबसे बड़ा थारू में का हो गेल कि राजनीतिक पार्टी से हमन बचन के परिचालित अगर राजनीतिक पार्टी के कोनो विशुद्ध होना ही सकल हाँ काम अगर करे चाह जाए तो बड़ी खुशी से कल जाई ओकरे लिए हमन बचन अपन तन मन धन लगा दिए लेकिन अपन समाज के लिए अगर कहल जा तो वो सब थोड़ा सा लाजमनी है और सोचिए कि समाज से हम ज्यादा घुल मिल रहा और नेता लोगन के पीछे नहीं रहा तो हमें हमार काम नहीं हुई नेता लोग हमार काम नहीं कह दिए हमसे ऋषिया जी ने कह के थोड़ा सा उस सब में डेर कहे पड़ल संकोच रहला उ कुल भावना रहला उस नहीं बढ़ पावल ओकरे बाद दूसर बात बा राजनीतिक प्रेशर भी हम देखी ला राजनीतिक प्रेशर रहला कि थारू कल्याणकारिणी सभा में कैसे अपन पार्टी के वर्चस्व अपन पार्टी के एक सिद्धांत कैसे लादल जा और थारू हम पहले कहली कि हरेक राजनीतिक पार्टी थारू के थारू लोगन के थारू कल्याणकारिणी सभा के एठू अपन वोट बैंक के रूप में प्रयोग करे चाहले थारू लोगन के अगर थारू कल्याणकारी सभा में हमन पचन के राजनीतिक सिद्धांत वाले अगर ज्यादा से ज्यादा पदाधिकारी हो जाइए तो हमन पचन के वहाँ जाके अपन वोट मंगले में सहज रही चुनाव उनाव हुई तब देखी चुनावी मुखी ज्यादातर भावना रहा ला उस चीज में हमन पचन थारू लोगन के प्रयोग कर जाला और थारू लोग थारू भाई लोग उस चीज के थोड़ा सा समझ नहीं पावल अब जैसे हमन के भर के अधिवेशन जो नौसरा जिला के ते ऐसे पहले भी 15 दिन के पहले जितना भी अब हमने के जोन व्यक्ति के हमारे फोन मार्फत से लियाने के चाहल गई मीडिया में उ दफे फोन ना उठा के वह व्यक्ति कितना तालमेल कैले कि कैसे हुई हमन के जिताएल जी कहीं के हेन तेन हम निर्वाच वो चुनाव में लड़े वाला बाटी कहीं के वो सबसे भी बात आई बाकी वह आदमी के 15 दिन के पहले मीडिया में तक के जब फोन गैले से फोन तक ना उठा लिखे ओखान के एक हमन के बात बात ये सब हो आवश्यक नहीं हो हमन के ऐसा हो नहीं चाहिए तेमन की जो थारूक नगरी सभा रूपंदेही के आप एक अध्यक्ष हो लेकिन आता से अब एना दिन में हमन के विगत के एक गलती सुधार कह के का कैसन ले जा सोचबा कि एक उदाहरण बन सके जैसा लागत अब और जिला के हक में भी हम तो सबसे पहले अपन जिला तो बटले बा और जब हम एक मानव होइला तो हरदम हमारी ये सोच रही कि हमार भावना जौन वह भावना सब जगह हो हम अपने चीज़ के बढ़िया देखब तो यह सिलसिला में केंद्र से लेके हर एक जगह हम पहले सबसे हमार विचार कहा कि सबसे पहले थारू कल्याणकारिणी के अगुवाई में जितना अधिराज्य भर देखल जाते अधिराज्य भर एक तो अधिराज्य भर तो अबे करिए स्थानीय रूप में कितना जनसंख्या बा ओके एकदम सही रूप से अपने तौर तरीका से गणना कैल जाओ के पहले ओकरे बाद गणना कैले के बाद जौन थारू लोगन में जौन
अब विकृति विसंगति बा कौने कारण से बा जैसे आर्थिक भइल सामाजिक भइल ओकरे बाद नेतृत्व विकास के भइल और ओकरे बाद आर्थिक भइल हर एक चीज में चेतना फैलावे के सबसे बड़ा जरूरी बा ओकरे लिए हम चाहत बाटी कि केंद्र से एठू नीति बने और हमन बचन कैसे कार्यक्रम ले जाके थारू भाई लगन में ले जाके ओके दिहल जा पहुंचावल जा और सुशिक्षित कइल जा तो ओकरे लिए थोड़ा सा का हो जाला कि हमन बचन में सोच बहुत देखल गेल थारू भाई लोगन में हमन बचन तो कोशिश कइल जात बा जैसे कहल जाता कि दो चार जने रही जाने तो बिनो कहल गेल कि दो चार जने खाली अगुआ भर दौड़िए कहूँ बुलावल जाई बाकी सब नाई दौड़ा ले तो इहो एक ठू एक किस्म के सोच का बा कि देखल जाला कि जहाँ भी जाइल जाला हमन बचन भोगल गइल बा कहले थारू कल्याणकारिणी सभा का कैलस के प्रश्न हमने पचन के बिरादरी पूछल हमन से प्रश्न कराने तो उस समय बड़ा दुख लगा लज्जित हक पर जाला हाँ तो हम कहिला लेकिन हम कहिला देखल जाए ये आप लोगन के जो पूछल गई ये अपन एंगल व लेकिन हमार एंगल से हम ये आप लोगन से प्रश्न करत बाटी कि थारू कल्याणकारिणी सभा आज 2005 साल से आज 2075 साल हो गए 70 बरस एकर स्थापना भइले भइल थारू कल्याणकारिणी सभा के अगुआ लोग आप लोगन के हरदम जाके जगावत बाटे झकझकावत बाटे तो आप लोग अपने प्रश्न कहल जाते कि आप लोग कहना जागल जात बा तो आप लोगन के जागे के चाहिए थारू कल्याणकारिणी सभा कोनो नीति नियम निर्देशन अगर लेके आवत बा तो कैसे आगे बढ़ल जा कहीं कि अगर कोनो एठू योजना लेके आवत बा तो ओके आप लोग सहर्ष स्वीकारल जा कि हमन के थारू कल्याणकारिणी सभा ये किस्म के नीति बनैले बा एक हमारे पालना करल जा ये किस्म से हमन के आगे बढ़े के बा ये चीज के हमन बचन के छोड़े के बा संस्कृति में जौन विकृति आयल बा एक हटा के सिर्फ इतना अंगीकार कल जाए एमें ऐसे सुधार कल जाए कि जो नीति बना दिया जा ओके हमन बचन हमन के बिरादरी भाई लोग एकदम सहर्ष स्वीकार करें तो हमन बचन के कहल और नीति नियम बनावल बहुत आगे वही सफल हो जाए और हमन बचन के प्रश्न करे जगह ना रह जाए कि थारू कल्याणकारिणी सभा का कैलस ये प्रश्न ना करे रह जाए कहे कि थारू कल्याणकारिणी सभा कोनो यहाँ के देश चलावे वाला सरकार नहीं हो एकर अपन बजट नहीं बा प्रशासन नहीं बा केहू के नौकरी नहीं दिया पाई सिर्फ हमन पचन के ये ठू सब जने मिल के एक जाके अपन बिरादरी में ये ठू प्रचार प्रसार विकृति जोन बाटे ओके हटावे करतीन ओतने भर न कही सकल जाला तो ओके सब जन के सहर्ष स्वीकार करे चाहिए एक भइल दूसर बात बा जोन थारू अगुआ लोग बाटे थारू नेता लोग बाटे वो सबके ठीक बा हमन पचन के हम तो कहिला थारू अगुआ लोग थारू नेता लोग हमें हरदम गरियावे एक अंगुरी हरदम हमरे पर खड़ा कैले रहे कि तू यहाँ गलत करत बाटा यहाँ बिगड़ले बाटा तू आगे नहीं बढ़ला कहके हरदम एक अंगुरी खड़ा कैले रहे थारू नेता लोग जौन सत्ता में पहुँचल बाटे और दूसरे तरफ दूसरा हाथ खुला रखें कौन बजट बा हमन बचन बोला कि यही बजट हमन बचन तुहन बचन के लिए व्यवस्था बा सरकार से बजट की व्यवस्था बा ये कार्यक्रम तुहन बचन करा कहके हाथ खुला रखें तो ऐसे कहा हो जाए कि हमन बचन के सब की एक दूसरे के सहयोग हो जाए और थारू भाई लोगन के विकास में आगे बढ़ पावल जाए तो एक लिए यार थारू भाई लोग भी जिम्मेवार हो बा और थारू अगुआ लोग नेता लोग के भी जिम्मेवार हो जरूर हाँ तो वैसे हमन के जो न भर के हमारे बात उठा ली हमन के जमाने जो न पदाधिकारी लोग बाटे एठू कौन भी मुद्दा मामला पड़े से दौरे नहीं खोजने जो भर के हमन के अब नगर समिति में कहा जा जिला में भी निर्वाचित हो चुकल बाटे अन्य पद में तो उस सबके खातिर कौन चीज़ कहे चाहल जी कि उस सब एठू थारू हकित के खातिर लड़े सक कहके सबसे पहले तो थोड़ा सा न दौड़ले के नाते कहा कि हमन बचन के ठू संस्कार का रह गए कि घर ही बैठल जा केहू आके हमन के बतला दे जना दे तब उस चीज़ में दौड़ल जा हमन के अपन अधिकार का मिलल बा अधिकार का ना मिलल बा और कौन किस्म के बजट बा उस किस्म के जानकारी नहीं बा और जो नेता लोग अगुआ लोग जो जो नेता लोग जो सत्ता में आ गए बाटे जीत गए बाटे विभिन्न स्थानीय तह में आ गए बाटे वह सबके थारू भाई लोगन के बोला के समझा दिए चाहिए कि यही चीज़ में बजट आयल बा इस चीज़ के आप लोग आवल जा लिहल जा और एठू ऐसे एठू समूह बनावल जा इमें यही काम में लगावल जा अगर समझा दिए तो अवश्य सब जने आगे बढ़िए करिए हमें यह विश्वास लगत बा कि इस चीज़ के लिए अगुआ लोगन के सबसे पहले गोड़ बढ़ावे करिए आगे हाँ तो वैसे हमारे कार्यक्रम में चर्चा करते हमारे के समाज में विकृति विसंगति कैसे हटा सके इस संबंध में हमारे चर्चा करते विद्यालय समय हो गई बात आप अपन अमूल्य समय दिल गए अगर कहते आपके हृदय से धन्यवाद देख जा बा बहुत बहुत धन्यवाद बा और बुद्ध टेलीविजन भी अमन पचन के थारू के उत्थान के लिए विकास के लिए और संस्कृति विकास के लिए जोन बहुत चिंतित हो गए जोन हमें थोड़े समय दिलस अपन
यहाँ के संदेश फैला के जो दिलस ओकरे लिए बुद्ध टेलीविजन के हम बहुत बहुत अपने तरफ से और थारू कल्याणकारिणी सभा रूपंदी के तरफ से धन्यवाद दी बाकी हाँ तो हमारे बातचीत कल गिल हमन के थारू कल्याणकारी सभा रूपंदेही के अध्यक्ष से सतीश कुमार चौधरी जी से ते वैसे हमारे बातचीत करते विद्यालय में हो गल बाते आप देखल गल कार्यक्रम संस्कृति सरोवर ऐसे ने कैमरा पर्सन नारायण उन्हों के विशेष धन्यवाद और आपके भी हृदय से धन्यवाद और आज के हमन के अतिथि सतीश कुमार चौधरी वहाँ के बीच से धन्यवाद देत आप देखते रहिए बुद्ध सामुदायिक टेलीविजन एक हाथ हम संचालक रात भी आपसे विदा होते हैं नमस्ते।